नमस्कार। आज का हमारा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें इसे लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। यहाँ पर राजस्थान की रजत बूंदें जो हैं, यहाँ पर कुएं और कुएं में जो पानी सहेज कर रख लिया जाता है उसे कहा गया है। रेगिस्तान में सभी जानते हैं कि रेत ही रेत है और वर्षा ना के बराबर होती है। वर्षा अधिक भी हो जाए तो रेत पानी को सोख लेती है और इसलिए लोगों को अधिक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहाँ रेत के नीचे एक खड़िया पत्थर की पट्टी सी बिछी हुई है और यह पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती है। इस पट्टी के जो नीचे पानी होता है वह बहुत ही खारा होता है और खारा पानी अगर इस पानी में मिल जाए, यानी बारिश के पानी में मिल जाए, तो वह पानी पीने के लायक नहीं रहता है। इसी अनुभव के आधार पर पानी को इस खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले ही ऊपर रखने का उपाय खोजा गया, यानी कि हम उस पानी को सहेज कर रख लें, और इसी प्रक्रिया में कुएं का निर्माण किया गया। कुएं और कुएं में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? कुएं का व्यास बहुत बड़ा होता है, डायमीटर जो है बड़ा होता है, जबकि कुएं एक छोटा सा रूप होती है कुएं का ही। आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने आपको दिखाया भी है, कुएं का व्यास कुएं से बड़ा होता है। दोनों की गहराई लगभग एक जैसी ही होती है, यानी कि कुएं की गहराई जो है वो खड़िया पत्थर कहाँ मिलेगा वहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि उससे ऊपर ऊपर जो होती है, जो पट्टी है खड़िया पत्थर की रेगिस्तान में, उसके ऊपर वाला जो पानी है वो ही कुएं में पाया जाता है। कुएं में पानी भूजल से मिलता है, यानी कि भूमि में जो पानी है वहाँ कुएं में, वो कुएं में आता है, जबकि कुएं में जो पानी आता है वो बारिश का पानी जो होता है उसे इकट्ठा करने का साधन है कुएं। यानी कि बारिश का जो पानी खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर रह जाता है उसे इस कुएं में सहेज करके रख लिया जाता है। यहाँ की जो भूमि है राजस्थान की, इसके रेत के कण छोटे छोटे होते हैं, जो आपस में चिपकते नहीं हैं, यानी थोड़ी मोटी टाइप की मिट्टी होती है, और यही कारण है कि इसमें जितनी भी बारिश होती है सब रेत में समा जाती है और नमी में बदल जाती है, और इसी नमी को कुएं के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ लोग इसमें चारों तरफ एक मेड़ टाइप का एक वो बना देते हैं जिससे नालों के थ्रू इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग भी इसे हम बोल सकते हैं। यदि हम दूसरे नए तरीके का वाटर हार्वेस्टिंग की इससे तुलना करें तो कुछ लगभग वैसा ही होता है। तो कुएं के माध्यम से पानी प्राप्त कर लिया जाता है। लेखक कहता है कि राजस्थान में पानी के कई रूप हैं। पालर पानी सबसे पहला पानी है। पालर पानी, यह पानी धरातल पर जो बहता है, यानी कि जो भूमि पर बहता हुआ पानी है नदियों नालों में, उसे पालर पानी बोला है। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी होता है जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है और यह प्रायः खारा होता है। और तीसरा पानी है रेजानी पानी। रेजानी पानी धरातल के नीचे और लेकिन भूजल में ना मिलकर नमी के रूप में जो पानी होता है उसे रेजानी पानी बोलते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया कुएं में जो इकट्ठा कर लिया जाता है उसे रेजानी पानी बोलते हैं। कुएं कैसे चिनी जाती है, यानी कि कुएं की चिनाई कौन करता है? पहली बात तो यह है कि चिजारा होता है, चिजारो भी इसे बोलते हैं। चिजारे के द्वारा कुएं की चिनाई का कार्य करते हैं। थोड़ी सी पहले खुदाई करते हैं, फिर उस हिस्से को पक्का कर देते हैं ताकि मिट्टी धंसे नहीं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत जल्दी धंस जाती है, क्योंकि रेत के कण आपस में चिपकते नहीं हैं। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती है। उन जहाँ पर ईंट की चिनाई नहीं कर सकते, एक खीप नाम की घास होती है, खीप होती है, एक घास होती है बिल्कुल पतली पतली लंबी सी घास होती है, और उसका रस्सा बनाया जाता है और उसके कुएं के चारों तरफ वह रस्सा जो है घेरा बना करके उस रस्से का लगा दिया जाता है, और इस प्रकार से गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक उसको ले जाया जाता है, और यह रस्सा जो होता है उस मिट्टी को धंसने से रोक लेता है। उसके चारों तरफ फिर धीरे 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 करके लिपाई करते चले जाते हैं और चिनाई करते चले जाते हैं।
कुछ कुछ जगहों पर यह घास भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर इसे ढहने से रोकने के लिए एक लठ होते हैं, लकड़ी के लंबे लंबे बांस होते हैं, उनको उलझा करके मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। पुराने समय में जो कुई थी उसका सफलतापूर्वक अगर पूरी हो जाती थी बनाने पर एक उत्सव मनाया जाता था, और जो चिजारा होता था उसको कई तरह के उपहार भी दिए जाते थे। साथ ही उसे तीज त्योहारों पर, विवाह आदि के अवसर पर सम्मानित भी किया जाता था। लेकिन आजकल समय बदल गया है तो उसे मजदूरी दे करके काम करा लिया जाता है। कुई की जो भराव की क्षमता है वह इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दिन रात के समय इसमें बस 2-3 घड़े के लायक पानी इकट्ठा हो पाता है, और कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या एक चड़स लगी होती है, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगी कैसी होती है। तो बाल्टी के ऊपर एक रस्सी बांध लेते हैं, उससे पानी निकाल लिया जाता है, और जो चड़स होती है उसके मुहाने पर एक चरखी या घिरनी लगी हुई होती है, उसमें बाल्टी बांध करके उससे पानी निकाल लिया जाता है। प्रत्येक कुएं के मुँह को ढक्कन लगा करके रखा जाता है ताकि उसमें कचरा ना गिरे, और जब पानी की आवश्यकता हो तो ढक्कन हटा करके यह बाद में फिर से बंद कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। कुई राजस्थान के जो खड़िया पत्थर है उसके क्षेत्र में लगभग हर घर में आपको मिल जाएगी, और सबकी यह अपनी निजी संपत्ति होती है। कुछ जो सार्वजनिक कुइयाँ होती हैं उन पर पंचायत का नियंत्रण होता है। किसी नई कुएं के निर्माण के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से कुएं का पानी जो है वो विभाजित हो जाएगा तो सभी कुएं में पानी नहीं आएगा, और जितनी अधिक कुएं होंगी उतना ही नमी का बंटवारा हो जाएगा तो कुएं में पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर इसकी स्वीकृति नहीं मिलती है। राजस्थान में सब जगह ऐसा नहीं है कि रेत के नीचे खड़िया पत्थर मिले, केवल यह पट्टी जो है खड़िया पत्थर की पट्टी ज़्यादातर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, और यही कारण है कि इन चारों जो ज़िले हैं चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें ये कुइयाँ ज़्यादातर घरों में पाई जाती हैं, और ये जो है रेत की नमी को पानी में बदल देती है, इसलिए इनका निर्माण किया जाता है। 4-5 हाथ के व्यास, 4-5 हाथ का जो डायमीटर होता है उसमें 60 हाथ की गहराई तक इसे खोदा जाता है। ये गहराई जो है 30 से 60 हाथ होती है। खुदाई की जगह को साथ साथ ईंट और चूने के साथ पक्का करते चले जाते हैं, जैसे ही थोड़ा खोदेंगे फिर पक्का कर देंगे फिर और खोदेंगे, अन्यथा क्या होगा कि वो मिट्टी धंसने का भय रहता है, और अनेक बार ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं जब उसमें लोग दब करके फिनिश समाप्त हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। और नीचे गहराई में पानी के लिए धार लगा दी जाती है, इसी तंग गहरी जगह को कुई कहा जाता है। कुआं और कुई में दोनों में गहराई तो लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन इनका व्यास जो है वो अलग अलग होता है। आप देखेंगे कि प्रकृति के उपहार वर्षा का पानी, देखिए राजस्थान के लिए सोने चांदी के जैसा है वर्षा का पानी, और इसे अगर संग्रह नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग अनेक बार प्यासे भी रह जाते हैं। प्रत्येक घर में यह पानी वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, आंगन में पड़ा वर्षा का पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में अभी यह प्रयोग किया जा रहा है पानी को संग्रह करने का, वाटर हार्वेस्टिंग का ये जो है शुरू अभी किया गया है कई राज्यों में, राजस्थान से जो है, राजस्थान में तो यह बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है पानी को एकत्रित करने का काम। लेखक के अनुसार लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी जो है उसे कुएं के अंदर पानी प्राप्त किया जा सकता है। जमीन की नमी की जो मात्रा है वो बारिश पर निर्भर करती है। पार्लर पानी जो क्या होता है, बारिश का हमारा जो पानी होता है उसे पार्लर पानी बोलते हैं, जो सीधे तौर पर हमें मिल जाता है। नदी नाला, तालाब हैं, नाले हैं, झील हैं, करतीब झील हैं, उन पर यह पार्लर पानी हमें मिल जाता है। पाताल पानी, भूमि में यह पानी चला जाता है उसे पाताल पानी, और रेजानी पानी यानी जो खड़िया मिट्टी की जो पट्टी है उसके ऊपर जो पानी कुइयों में हम इकट्ठा करते हैं उसे रेजानी पानी बोला है। चिजारा जो होता है उसे चेलवांजी भी कहते हैं, और चेलवांजी अपनी जान खतरे में डाल करके यह चिनाई करते हैं, कुई की चिनाई करते हैं, क्योंकि सकरी जगह में मिट्टी की खुदाई और चिनाई का कार्य जो है बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें कई बार उनकी जान भी चली जाती है। घुटने मोड़कर बैठकर धीरे धीरे एक बसौली नाम का हथियार होता है उनका, औजार होता है, उससे मिट्टी की खुदाई की जाती है, और पैरों में जमा मिट्टी को रस्सी के सहारे लटका कर बाल्टी से बाहर निकाल दिया
जाता है और इस प्रकार से उसे गहराई में सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये बहुत एक कठिन कार्य है। कुएं का मुंह छोटा रखने का तीन कारण होते हैं। क्यों रखते हैं कुएं का मुंह छोटा, बड़ा क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, अगर बड़ा व्यास होगा तो पानी की मात्रा अधिक हो जाती है और पानी को निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन जो है पानी निकालने में मुश्किल हो जाएगा। व्यास बड़ा होगा तो पानी का फैलाव अधिक हो जाएगा, इसमें थोड़ा ही पानी होता है, दो चार घड़े पानी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फिर व्यास बड़ा हो जाएगा तो पानी की ऊंचाई कम होगी और इसे निकालना मुश्किल होगा। दूसरा कारण क्या होता है कि गर्मी अधिक पड़ती है और व्यास यदि बड़ा होगा तो हम उसका ढक्कन भी नहीं बना सकेंगे और पानी उड़ करके आसमान में चला जाएगा। और इसे ढककर रखना ज़रूरी होता है। छोटे मुँह वाली कुएं को ढकना आसान होता है, इसलिए ढक्कन लगाने में कठिनाई ना हो, ये इसी कारण से इसका मुंह जो है छोटा कर दिया जाता है और इसका व्यास जो है कुएं से कम रखा जाता है। राजस्थान में पानी की बहुत अधिक कमी पाई जाती है। पीने के पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। पानी मीठा नहीं होता, यानी ज़मीन से जो पानी तो निकलता है पर वो खारा होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपना उन्होंने अपनी एक आविष्कार किया कुएं का और मीठे पानी के लिए उन्होंने कुएं का निर्माण करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो मीठा पानी इकट्ठा करते हैं उनके लिए एक तंग व्यास वाली पानी की कुएं बना करके और इस प्रकार से अपने आविष्कार कहते हैं कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। और ये अगर कुएं को देखेंगे तो आप ये सिद्ध आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये कहावत सत्य है। ये देखिए कि इस कुएं को बनाना बहुत ही चुनौती का काम होता है और कुएं खोदने के लिए बहुत ही तंग जगह में हथौड़ा चलाना बहुत ही कठिन होता है और साथ साथ मिट्टी ढहती भी रहती है, लेकिन मनुष्य ने बड़ी धैर्य से समस्याओं का समाधान खोजा है और इस जब इसका निर्माण पूरा हो जाता है तो लोग इसके लिए उत्सव भी मनाते हैं। जब कुएं की खुदाई होती है तो वहाँ पर भीषण गर्मी होती है और चिजारों के लिए यहाँ पर ताज़ा हवा भी नहीं मिलती है, उन्हें सांस लेने में बड़ी कठिनाई आती है। जब भी वर्षा होती है तो पानी की बूंदें रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठी हो जाती है। उन पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए ही इस कुएं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान की रेत की विशेषता ये है कि उसके कण जो होते हैं वो बहुत भुरभुरी टाइप की मिट्टी होते हैं और इसी कारण से उनमें पानी भीतर जा कर के इकट्ठा हो जाता है और ये नमी जो है अंदर चली जाती है और कुएं में पानी जो है आ जाता है। मरुभूमि में वर्षा की मात्रा कुछ इंच या सेंटीमीटर ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है और इस कार्य के लिए जो है जो पानी इकट्ठा करते हैं उन्हें चेलवांजी भी बोला जाता है। वो चेलवांजी निर्माण करता है कुएं का। इस प्रकार से ये जो पानी है यानी जो बारिश का पानी नमी के रूप में इकट्ठा होता है इसे लेखक ने राजस्थान की रजत बूंदें कहा है, राजस्थान की चांदी की बूंदें। पानी को किसके जैसा बताया है, चांदी जितना कीमती बताया है और उस कीमत को इकट्ठा कर लिया जाता है कुएं में। कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है, कई बार ये प्रश्न